हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कभी सलाखों के पीछे से, कभी परिवार की बदौलत और कभी अपने जोर पर बिहार चुनाव में एक बार फिर बाहुबलियों का बजा है डंका। मर्डर, किडनैपिंग और वसूली जैसे मामलों में आरोपी कई बाहुबली नेताओं ने फिर आजमाई अपने किस्मत बिहार के विधानसभा चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। पिछले एक महीने में हमने आपको दिखाई चुनावी दंगल में दांव आजमाते बिहार के कई बाहुबलियों की कहानियां, और अब आप देखिए इस सियासी दंगल में किसका चला दम और कौन हुआ बेदम। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह, काली पांडे, रीतलाल यादव और शंकर सिंह। एक वक्त पर इन सभी का नाम जनता के बीच खौफ का पैगाम होता था। इनमें से कोई संगीन अपराधों में दोषी रहा तो कोई इन आरोपों में लिप्त रहा। जबकि कुछ तो अब भी सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़ी ये हस्तियां बिहार की राजनीति की गॉडफादर मानी जाती हैं, और इनमें से कई चेहरे इस बार फिर दिखे थे चुनावी मैदान में जनता के बीच हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए। चूक नतीजा भुगते के पड़ल, अब की भी अगर चूक होई तो भगवान भला करे। ये थे सुनील पांडे, जो अपनी पत्नी की पिछली हार के बाद अपने ही अंदाज में अपनी जनता से वोट की गुहार लगा रहे थे। हश्र क्या हुआ हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन इन्हीं की तरह अपने अपने अंदाज में बाकी बाहुबली नेताओं ने भी जनता के बीच घूमकर वोटों की अपील की थी। किसका चला दांव और किसका नहीं, जेल से बाहर आकर अपना नामांकन दाखिल करने वाले छोटे सरकार ने इस बार मार ली बाजी। सड़क पर दौड़ती बग्घी वाली तस्वीर हो या गले में लिपटे अजगर के साथ ये अंदाज, शौक ऐसे कि एक घोड़े की खातिर सीधा लालू प्रसाद यादव से उलझ गया था ये बाहुबली, जो मशहूर तो है छोटे सरकार के नाम से, लेकिन उसका असली नाम है अनंत सिंह। मैं कह न पा रहा कि अनंत सिंह पहुंच गया, जो कहता कि हमको घोड़ा दो। अब ये न फोन किया ऊपर आदमी, अपना अपना तुम ले जाओ, इधर उधर कुछ को नहीं जाएगा। घोड़ा तो आखिरकार अनंत के ही हाथ लगा, लेकिन सवारी करते वक्त छोटे सरकार को मुंह की खानी पड़ी। लालू से खुले आम लोहा लेकर अनंत सिंह नीतीश कुमार के दुलारे बन चुके थे। 2010 में एक बार फिर नीतीश ने उन पर भरोसा जताया और वो जीतकर विधायक बने, लेकिन 2015 के चुनाव से पहले अनंत सिंह नीतीश की पुलिस के निशाने पर आ गए, और 2015 में लालू और नीतीश की दोस्ती वाली लहर को चीरते हुए अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीता। पिछले साल ही अनंत सिंह से दूरी बनाए रखने के लिए तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट तक कह डाला था।
आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे अनंत सिंह ने इस बार मोकामा सीट से आरजेडी के टिकट पर ही चुनावी दांव खेला। कहते हैं 9 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में अनंत सिंह ने पहला कदम रखा था और 90 के दशक तक मोकामा में उनका सिक्का चलता था। बड़ी बड़ी हस्तियां अनंत सिंह की महफिलों में शामिल होती थी। हत्या के आरोप में अनंत सिंह इस वक्त पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। लेकिन सलाखों के पीछे से भी अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार ने अपना दम दिखाया और विधानसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी राजीव लोचन नारायण सिंह को भारी मतों से पछाड़ कर 78,721 वोट के साथ मोकामा सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव में हर सीट पर कई धुरंधर आमने सामने थे, तो एक सीट ऐसी भी थी जहां छिड़ा था दंगल सीधा दो बाहुबलियों के बीच। एक तरफ था बाहुबलियों का गुरु माना जाने वाला काली पांडे और दूसरी तरफ 4 बार से विधायक रहे पप्पू पांडे। किसने दिखाया दम और कौन निकला बेदम? '87 में आई बॉलीवुड फिल्म में मुख्य विलन काली का किरदार जिस बाहुबली पर आधारित बताया गया वो है बिहार में बाहुबलियों के गुरु माने जाने वाले बाहुबली काली पांडे। इस चुनाव में काली पांडे की सीधी टक्कर थी गोपालगंज की सुचाई कोट सीट पर अमरेंद्र बाहुबली यानी पप्पू पांडे से। ये हैं ट्रिपल मर्डर समेत कई आपराधिक मामलों के आरोपी पप्पू पांडे, जो कुख्यात सतीश पांडे के भाई हैं। जेडीयू से 4 बार विधायक रहे पप्पू पांडे का नाम इसी साल कुछ महीने पहले गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में भी आया था। कुचाई कोर्ट सीट पर उत्तर बिहार के सबसे बड़े बाहुबली रहे पप्पू पांडे जेडीयू से सामने थे, तो काली प्रसाद पांडे कांग्रेस से। हालांकि 10 साल से एलजेपी में राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता जैसी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे काली पांडे ने चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस का दामन थामा। काली पांडे और पप्पू पांडे दोनों ही बाहुबलियों ने प्रचार के दौरान एक दूसरे पर निशाना भी साधा। मुकाबला की बात है तो देखिए भाई, ये कर्म भूमि है और मैंने 5वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने यहाँ से जा रहा हूँ। तो सवाल उठता है कि जनता क्या पसंद करती है उनसे, इसलिए उनको चुन रही है या फिर उनसे डरती है? तो ऐसा आप क्या ऑफर कर रहे हैं? क्या डर के बदले डर की बात है या फिर कुछ और आप ऑफर कर रहे हैं? वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं, जनता की आत्मा पर 147 रख कर चुनाव जीते। और दोनों में से किसने मारी बाजी? 69 साल के काली पांडे ने 45 साल के पप्पू पांडे को कड़ी टक्कर दी और अमरेंद्र उर्फ पप्पू ने काली पांडे को बाहुबलियों के इस सबसे दिलचस्प चुनावी दंगल में आखिरकार पटखनी देते हुए कुचाई कोर्ट सीट से कुल 74,359 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। एक अधिकारी की हत्या के लिए दोषी करार दिया गया ये बाहुबली तो है सलाखों के पीछे, लेकिन चुनावी मैदान में सियासी दांव खेल रहा था उसका परिवार। एक तरफ थी बीवी और दूसरी तरफ था बेटा। आरजेडी से मैदान में उतरी पत्नी को कड़ी टक्कर मिली बीजेपी से, तो बेटे ने अपने सामने खड़े सभी प्रत्याशियों को कर डाला चारों खाने चित। चौदह साल पहले साल 2006 के जुलाई महीने की इन तस्वीरों में दिख रहा शख्स है आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एसएसपी कुंदन कृष्ण पर हाथ छोड़ा था जब उन्हें हत्याकांड के आरोप में देहरादून की एक अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया था। छब्बीस साल पहले साल 1994 में 5 दिसंबर की शाम को
मुजफ्फरपुर के बाहुबली नेता कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला के शव के साथ एक जुलूस निकाला गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आनंद मोहन समेत कुछ और हस्तियां, जिनमें उनकी पत्नी लवली आनंद भी शामिल थी। नेशनल हाईवे 28 पर जमा इस भीड़ के बीच से तब निकली थी गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया की गाड़ी और जुलूस में मौजूद भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बार पत्नी लवली सहरसा से मैदान में थी तो बेटा चेतन आनंद शिवहर से, और दोनों को टिकट मिला था आरजेडी से। जबकि दिलचस्प बात यह है कि आनंद मोहन और लालू प्रसाद यादव कभी कट्टर विरोधी होते थे। हालांकि माँ बेटे की इस जोड़ी में एक के हाथ लगी जीत तो एक के हार हाथ लगी। बेटे चेतन आनंद ने शिवहर सीट पर जेडीयू के मजबूत प्रत्याशी मोहम्मद शरफुद्दीन को बहुत बड़े फासले के साथ हराकर 73,143 वोट बटोरे। दूसरी तरफ आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को सहरसा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के हाथों हार मिली। हालांकि मतों का अंतर बेहद कम था, आलोक रंजन को मिले 103,538 वोट और लवली आनंद ने बटोरे 83,859 वोट। 90 के दशक में पूर्णिया जिले पर राज करने वाला वो बाहुबली जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, बंदूकधारियों वाले गिरोह का संचालन करता था और जेल की हवा भी खाई। इस बार चुनाव में उतरा तो टक्कर मिली एक और बाहुबली की पत्नी से। किसका क्या हुआ हाल? नब्बे के दशक में जब पप्पू यादव का पूर्णिया पर जोर चलता था तब अगड़ी जातियों का नेतृत्व शंकर सिंह कर रहे थे। शंकर के गुरु या कहें बॉस थे बूटन सिंह, जिनकी बाद में हत्या हो गई। बूटन और शंकर दोनों राजपूत थे। बूटन के नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी नाम के गिरोह की कमान शंकर सिंह ने संभाली। नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी हत्या, अपहरण, स्मगलिंग और ठेकेदारी के लिए बदनाम थी। हम लोग की कोशिश तो यही रहती है कि हथियार सही जगह पे ही इस्तेमाल हो। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों से कोई निर्दोष या कोई अलग से आदमी मारा जाए। और शंकर सिंह के इस लिबरेशन आर्मी की खूनी जंग चलती थी फैजान गिरोह से, जिसका सरगना था अवधेश मंडल। वही अवधेश मंडल जिसकी पत्नी बीमा भारती इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव में थी शंकर सिंह के सामने। शंकर सिंह को रुपौली सीट पर जेडीयू की बीमा भारती ने बड़े अंतर के साथ पछाड़ा और 64,324 मतों के साथ जीत पाई। और अब बात कुछ और बाहुबलियों की, जिनमें से दो के पास तो पीएचडी की डिग्री भी है। किसी ने कैमरे पर मार देने की धमकी दी थी तो कोई जेल में बार बालाओं का डांस करवाने के लिए सुर्खियां बना। अब बात कई संगीन आरोपों में लिप्त सत्ता के कुछ और गॉडफादर्स की, क्या दिखा पाए चुनावी मैदान में ये अपना बाहुबल? ना नाम है मेरा, हमको आप लोगों का दिया हुआ सब कुछ है। कभी जेल में रहकर वहां बार बालाओं का डांस करवा चुके हैं मुन्ना शुक्ला, जेल में रहकर बंदूक लहरा चुके हैं मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला लालगंज का वो डॉन जो अब फुल टाइम राजनीति करता है, असली नाम है विजय कुमार शुक्ला। 1994 में जिस डीएमजी कृष्णैया की हत्या के आरोप में आनंद मोहन उम्र कैद काट रहे हैं, उसी हत्याकांड में आरोपी रहे हैं मुन्ना शुक्ला भी। इन्हीं के बाहुबली भाई छोटन शुक्ला के शव के साथ निकाला जा रहा था उस दिन जुलूस, जिसमें भीड़ ने डीएम की हत्या कर दी थी। मुन्ना शुक्ला पर तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या का भी आरोप लगा, जिसके लिए वो जेल गए। तीन बार विधायक रहे मुन्ना शुक्ला को इस बार जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही उतर गए। वैशाली की लालगंज सीट से करीब डेढ़ दशक तक विधायक रहे मुन्ना को इस सीट पर भारी हार का सामना करना पड़ा। और यहां बीजेपी के संजय कुमार सिंह ने 70,750 वोटों से जीत हासिल की।
मुन्ना को कुल 27,460 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। ये है वैशाली की महनार विधानसभा सीट से कई बार जीत हासिल करने वाले बाहुबली नेता और पूर्व विधायक रामा सिंह। पूरा नाम राम किशोर सिंह। किडनैपिंग, हत्या से लेकर एक ट्रिपल मर्डर तक में आरोपी रहे रामा सिंह को लंबे अरसे तक एलजेपी का साथ मिला, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है और इस बार आरजेडी से जुड़ गए। इस बार रामा खुद चुनाव में नहीं उतरे बल्कि उतारा अपनी पत्नी वीणा सिंह को। वीणा सिंह ने महनार सीट पर शानदार जीत दर्ज की। जेडीयू के प्रत्याशी उमेश सिंह कुशवाहा को पीछे छोड़कर वीणा सिंह ने बटोरे कुल 61,721 वोट। हम कभी भी गलत वादा ना करें, जब कहब कि बनी तब बनी। पुरानी तस्वीर में धमकाते और नई तस्वीर में वोट के लिए सुर बदलते ये हैं नरेंद्र कुमार पांडे। नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, पूर्व विधायक सुनील पांडे भोजपुर जिले की तरारी सीट से इस बार निर्दलीय उतरे थे। 2000 से 2015 तक इस सीट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से चार बार विधायक रह चुके सुनील पांडे ने चुनाव लड़ने के लिए एलजेपी छोड़ी। कई बड़े कांड, हत्याकांड समेत जिला अदालत में बम विस्फोट के आरोपी रहे हैं सुनील। भले ही सुनील पांडे पर आज की तारीख में महज 3 से 4 वो भी बेहद मामूली मामले चल रहे हों, लेकिन गंभीर अपराध के आरोपों में वे जेल में भी रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जेल में रहने के दौरान उन्होंने अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर पर पीएचडी पूरी की। ब्लास्ट केस में आरोपी बने और पहुंच गए जेल। पत्नी गीता पांडे लड़ी थी चुनाव पर वोटों के मामूली अंतर से हार गई थी। इस बार खुद चुनाव में उतरे सुनील को जनता से उम्मीद थी कि जनता उनका साथ देगी। आपके क्षेत्र में आए तो काम किए, आप पिछला बार वाला जो चूक हो गए जो सारे कतर वोट करने के जो जी हाँ, कहीं ना कहीं हमने से ना चूक भेज बा तो कर नतीजा भुगते के पड़ल। अब की बे अगर चूक हो तो भगवान भला करे, फिर क्षेत्र के आंसू पूछे वाला कोई ना मिले। लेकिन जनता से सुनील के शब्दों में कहें तो फिर चूक हो गई। सुनील सीपीआई एमएल के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद से पीछे रह गए और 73,945 वोट के साथ सुदामा का तरारी सीट पर कब्जा हो गया। आप लोग एक संकल्प लीजिए कि जिस रूप में आज आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हम सभी लोग हुए हैं, उसी रूप में आशीर्वाद के रूप में अगर जो रिजल्ट मेरा आया विधानसभा जाने की कहलाई तो आप लोग मेरे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा खड़ा रहेंगे। प्रीतलाल यादव पर हत्या, रंगदारी, लूट, उगाही समेत करीब 3 दर्जन मामले हैं, जिनमें से कुछ में वो अब भी आरोपी हैं और कुछ में राहत मिली। 3 महीने पहले ही रीतलाल को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए। प्रीतलाल ने इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ा, जिसके पहले लंबी भूमिका भी बनी, जब महीने भर पहले रात के अंधेरे में राबड़ी आवास में तेजस्वी से मिले। तब तो वो गुपचुप निकल गए बिना कुछ कहे। बाद में खुलासा हुआ कि उनको आरजेडी से टिकट मिल गया। प्रीतलाल यादव ने दानापुर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी आशा देवी को हराया और कुल 89,895 वोटों से जीत दर्ज की और कुल 89,895 वोटों से जीत दर्ज की। एक संयोग ये जरूर रहा कि जिन आशा सिन्हा को रीतलाल ने हराया, उनके पति और बीजेपी के दिवंगत नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप भी इसी बाहुबली पर है। कोई माने या ना माने, बिहार में सियासत के गॉडफादर बन गए हैं बाहुबली। धन दौलत और बाहुबल बिहार की राजनीति का कड़वा सच बन चुका है। इस चुनाव में बाहुबलियों की जीत ने एक बार फिर इस सच पर लगा दी है मोहर। चुनाव पर इस खास पेशकश बाहुबली में बस इतना ही। नमस्कार।